सो आई लो 15 दिनों के बाद आज हम लोग शेल्टर से बाइक निकालेंगे मेरी 900 एंड रुद्रा की ड्यूक। हम लोग आज उसको अच्छे से वॉश कर देंगे क्योंकि भाई 15-20 दिन से ऐसे ही पड़ी है, धूल खा रही थी, बीच में साइक्लोन भी आके गया तो पूरा डस्ट डस्ट हो गया हर जगह। तो अभी मेरी बाइक अभी शेल्टर से निकलेगी, रुद्रा की बाइक इधर खड़ी है, उधर है प्रेशर वॉशर, बढ़िया से यहाँ पर वॉश कर देंगे बाइक को। ओहो क्या कंडीशन हो रखी है बाइक की भाई। चलो शेल्टर था उसके वजह से कम से कम थोड़ा क्लीन है, बिना शेल्टर के तो भाई हालत एकदम खराब हो, पूरा दिखता ही नहीं, ब्लैक ही नहीं दिखता, पूरा येलो दिखता है। एंड इधर देख लो इंडिकेटर तो जा चुका है, बस लॉकडाउन खुलने की देरी है, लॉकडाउन एक बार खुल जाएगा ना इसका इंडिकेटर का काम सबसे पहले कराऊंगा। भाई खड़े खड़े ऐसे रखे रखे इंडिकेटर्स टूट जा रहा था, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब कुछ चॉइस ही नहीं है। चल रुद्रा बाइक निकाल ले, आज बाइक का चेन वेन भी क्लीन कर देंगे बढ़िया से, अच्छे से वॉश भी कर देंगे एंड उसके बाद बाइक को ऑन भी करेंगे। भाई बाइक ऑन हुए 20 दिन हो गए, मैं एक बार भी ऑन भी नहीं किया, बाइक के बारे में ख्याल ही नहीं आया कि बाइक को ऑन भी करना है। शेल्टर को थोड़ा सा इधर कर, हाँ निकाल ले भाई। 900 रोड पे कब निकलेगी अब? मैं तो एक महीने के बाद बैठ रहा हूँ इसके बाद। तो रोड पे कब निकलेगी अब? अभी लेके चले जाओ। मत लेके जा, पुलिस रोक लेगा। क्या जाला जाला हो रखा है देख हर जगह इसके अंदर भी। एंड भाई 900 के लिए एक बहुत बढ़िया फुल बॉडी रैप अभी एक मैं खोजा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, फुल बॉडी है, खाली ऐसे नहीं कि खाली टैंक है, खाली फ्रंट का मडगार्ड है, वो फुल बॉडी है। तो वो एक बार जब आ जाएगा ना तभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी के लिए मैं उसको देख चुका हूँ, रुद्रा भी देखा, तो कैसा लगा वाला रैप? वो तो मस्त है भाई एकदम। वो अगर फुल बॉडी रैप हो जाएगा ना वो वन इन ओडिशा, इंडिया में तो एक है, फर्स्ट इन ओडिशा। एंड अभी तक यहाँ पे तो कोई कराया नहीं, लेकिन इंडिया में एक जन करा रखा है, लेकिन भाई वो सेकंड हो जाओगे इंडिया में, सेकंड बहुत गजब रैप है वो, आएगा तब आप लोगों को बताएंगे। बाइक एकदम क्लीन हो चुकी है, ये रही रुद्रा की बाइक, ये रही मेरी बाइक। एंड अभी इस पर वैक्स लग रहा है मेरी बाइक पे, इधर पे हल्का सा वैक्स लगाया गया क्योंकि ग्लॉसी पार्ट बहुत कम है, सिर्फ ये पार्ट एंड ये पार्ट ग्लॉसी है, तो इस पर हम लोग ने वैक्स लगा दिया है एंड अभी इस पर वैक्स लग रहा है। देख रहा मेरा हाथ मशीन जैसा काम कर रहा है। 15,000 RPM पे चला। अभी इसको लगा के हम लोग को 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा, 5-10 मिनट छोड़ने के बाद इसको हम लोग माइक्रोफाइबर से क्लीन करेंगे एंड उसके बाद शाइन तो करना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आज ही बॉटल का सील खोला है, अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो कौन सा है, ये रुद्र का वैक्स एंड शाइन, गाड़ी के लिए बना है लेकिन बाइक पर यूज़ करें, देखते हैं कैसा काम करता है। बाइक एकदम क्लीन हो गई है, सब कुछ खत्म है, अब वैक्स वैक्स भी सब मार दिए एंड अब बाइक वापस से शेल्टर के अंदर जा रही है, जब लॉकडाउन खुलेगा तभी निकलेगा। अभी बाइक को थोड़ा सा ऑन करके हल्का सा रेव दे दिए, बाइक को पूरा वार्म कर दिए एंड उसके बाद जब एक बार वार्म अप हो गए उसके बाद हल्का सा रेव दिए एंड वो उसके लिए इंस्टा के रील्स बना लिए, आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ जाके वो रील देख लेना, और रेव की बहुत बढ़िया आई है। एंड उसके बाद अब बाइक जाएगी अंदर, जब लॉकडाउन खुलेगा तभी अब निकलेगा। बाइक को ओहो कितना दिन बाद साउंड सुना, गई अंदर, अब लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तभी निकलेगा। अब तो अब और वार्म अप करने के लिए नहीं निकालेंगे अब, अच्छे से क्लीन हो गया, वैक्स वैक्स लग गया, हो गया भाई एकदम सेट AGV। एंड इसके लिए आज हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है, वो है ये सेना का इंटरकॉम, सिर्फ क्लैंप किट है, यूनिवर्सल क्लैंप किट, बस क्लैंप किट है। तो सेना का जो मैंने जैसे आपको बताया था जो डिवाइस है वो HJC और AGV के लिए एक ही डिवाइस है, लेकिन उसके साथ क्लैंप किट खाली एक अलग मंगा लिया हूँ ताकि एक ही डिवाइस दोनों हेलमेट में यूज़ हो सके। एंड बिना सेना का भाई हेलमेट पहनने में कोई मज़ा नहीं आता है, बहुत बोर लगता है, इसलिए सेना इंपॉर्टेंट है, सेना चाहिए। तो इधर AGV आ चुका है, अभी AGV में सेना इंस्टॉल कर देंगे। इसका ग्राफिक्स बहुत सही है, इसका लुक जो है ना, ये जो थ्रोट ईगल जैसा है, हाँ पूरे ऐसे मीन लुक आता है इसका, एकदम पॉइंटेड सही है, ग्राफिक बहुत सही चूज़ किया है। ये है सेना का यूनिवर्सल क्लैंप किट, इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये जो मैं आपको बताया था जो पार्सल डिले हो रहा था यही पार्सल था, तो इसके अंदर बस ये छोटा सा इतना ही सब सामान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन जो सेना का डिवाइस होता है वो नहीं है, बस स्पीकर सेट्स है
तो ये रहा इसका क्लैंप, इसके स्पीकर्स, इसका माइक एंड बाकी ये सारे अटैचमेंट्स अलग अलग स्पीकर के लिए अलग अलग दिया हुआ है। उसके बाद माइक के लिए 3 या 4 टाइप का माइक देता है, इसमें स्पीकर का पैडिंग है एंड बाकी यहाँ पे 3M का एडेसिव है, यही सब है। और बाकी इसको हम लोग अपने AGV में इंस्टॉल करेंगे। हाँ कंफर्टेबल है, गुड। अभी बस इसमें सेना लगाना है, बस कान में पेन तो नहीं आ रहा ना। आप लोगों को साउंड आ रहा है? अभी हेलमेट में सेना इंस्टॉल हो चुका है। म्यूज़िक अभी प्ले करके देख रहा हूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है एंड भाई गजब मस्त आवाज़ आ रही है मेरे को, बाहर तक सुन रही है, अभी एकदम साइलेंट है। लेकिन भाई देखो क्या लग रहा है यार, मतलब सेना हेलमेट पे लगने से हेलमेट का लुक और अच्छा हो जाता है, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या होता है। AGV ऐसे तो अच्छा दिखता है लेकिन अब सेना लगा है और मस्त लग रहा है। गाइस अभी कुछ ऐसा लुक है, ये है सेना मेरा AGC का हेलमेट, इसमें भी सेना का क्लैंप है। AGV का हेलमेट, इसमें भी सेना का क्लैंप है। डिवाइस अभी एक ही है, इसको इसमें डाल के एक बार खाली एक बार प्रेस करना रहता है, साउंड आता है क्लिक का एंड देन अभी AG में लग गया, इसको निकाल के अभी AGC में लगाऊँ तो AGC में लग जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, डिवाइस एक ही है, नीचे का इसका जो अडेप्टर ये 2 है, तो अभी दोनों हेलमेट में सेना काम करेगा। हेलो, इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।